गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस डेली इंग्लिश डाइजेस्ट के नेक्स्ट सेशन में। अब तक हम लोगों ने 6 सेशन कर रखा है, ये 7वां सेशन आप लोगों के बीच है जो आप लोगों को डेली होमवर्क शीट के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा। और साथ ही साथ ये चीज़ें आपको टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल दोनों जगहों पर भी मिल जाती है। तो खास बैंकिंग एस्पायरेंट चाहे हों या फिर SSC या डिफेंस के बच्चे हों, दोनों ही बच्चों के लिए या तीनों ही बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट अपने आप में है। और डेली इंग्लिश डाइजेस्ट जो अपने आप में है बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये आप लोगों के द्वारा ही फीडबैक हम लोगों को मिल रहा है, ये सुनकर के हम लोगों को एनर्जी थोड़ा सा बढ़ जाता है और हम लोग आपके लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं इस कंटेंट में। तो जो स्टूडेंट इसको पहली बार सुन रहे हैं या जान रहे हैं इसके बारे में, तो वो सबसे पहले समझ लें कि एक मंथली पास आपको खरीदना होता है अगर आपको प्रिंटेड कंटेंट चाहिए तब। अदरवाइज अगर आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभिसर के नोट्स एंड PDF को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। और इसके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होते हैं जो आप अपना क्वेश्चन मार्किंग करके बनाने के बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट है उसे आप यूट्यूब चैनल हमारा जो है ES Academy HO Factory वहां पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बीच बीच में बातें करते रहेंगे। फिलहाल हम लोग आज का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि सबसे पहले आपका ग्रामर सेक्शन में क्विक रिवीजन आपको क्या आज कराने वाला हूं मैं। तो इसमें मैंने कॉन्सेप्ट रखा है 1-to-1 कॉन्सेप्ट में, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट रखा है। तो मुझे सबसे पहले बच्चों को बताने में ये बात शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे भी पता कर लेते हैं कि हाँ भाई रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हो सर, तब तो इसमें हम हु हूम भीच दैट भेन भेयर जैसी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप ये सोच पा रहे हो तो बिल्कुल सही सोच पा रहे हो। तो हमारे पास टोटल 6 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, जिसमें हु जो होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है, हुम सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, भीच हम तब करते हैं जब क्वेश्चन में सिलेक्शन देना हो, दैट हम देते हैं जब क्वेश्चन में एग्जैक्टेस का सेंस देना हो, भेयर का प्रयोग प्लेस सेंस में करेंगे और भेन का यूज हम लोग करेंगे टाइम सेंस के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक देना चाहूंगा कि ठीक है रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो 6 होते हैं ये तो पता चल गया, और इनका क्या फंक्शन है आपने ये भी देख लिया। अब थोड़ा मैं हु और हुम का पहले डिटेल आपको बताता हूँ कि हु और हुम का यूज हम लोग कब करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे लिख रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि स्टूडेंट गेट कन्फ्यूज वाइल यूजिंग हु और हुम, मतलब हु और हुम का यूज करने के समय बच्चे कंफ्यूज होते हैं थोड़ा सा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले क्या करो, सब्जेक्ट का और वर्ब का क्या कर लो, काउंटिंग कर लो। जो बिगिनर हो, जो इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सीख रहे हो, उनके लिए बेहतर तरीका होता है अगर आप काउंटिंग कर लो सब्जेक्ट और वर्ब का, और नंबर ऑफ वर्ब जो हो ज्यादा हो किसके बजाय, सब्जेक्ट के बजाय। कहना सीधे ये चाह रहा हूं मैं कि अगर क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपके पास कम है और वर्ब आपके पास में ज्यादा है तो आपको वैसे केस में उस सेंटेंस में हु को सिलेक्ट करना चाहिए एज ऑप्शन। और यही कह रहा हूं मैं कि अगर वर्ब और सब्जेक्ट की संख्या सेम है तो आपको हुम का प्रयोग करना है। यानी यहाँ पे कहना यह चाह रहा है आपको कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या काउंटिंग करते हैं और दोनों बराबर पाए जाते हैं तो वहां पे आपको चूज करना चाहिए ऑप्शन में फिल करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंस के लिए क्या हुम। अब चूंकि हमने ऐसा क्यों किया, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और हुम जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी वजह से हम लोग करेंगे, है ना। अब कह रहा कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हम भीच कब लगाएंगे, तो उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे आपके पास कि भाई आप मतलब भीच का यूज करने के दौरान आपको ध्यान ये देना है कि आपको कुछ हेल्पिंग टर्म्स मिलने चाहिए जिससे पता चले कि क्वेश्चन में सिलेक्शन है। जैसा स्टार्टिंग में मैंने आपको बता तो दिया कि ठीक है आप भीच का यूज तब करना जब सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन पता कैसे चलेगा। तो हमारे लिए कुछ हेल्पिंग टर्म्स आते हैं जैसे आउट ऑफ टू का मतलब दो में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, बिटवीन कहने से दो में से एक का सिलेक्शन होगा, बोथ का मतलब दो में से एक का सिलेक्शन, आइदर कहने से दो में से एक का सिलेक्शन, कंपेरेटिव डिग्री है तो दो का ही यूज होगा क्वेश्चन में। तो ये सब कंपेरेटिव डिग्री, इधर बोथ बिटवीन आउट टू, अगर ये सारे टर्म आप देख पाते हो तो इन सारे टर्म्स के साथ में क्या लगाना है, भीच लगाना है। उसके बाद कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो ठीक है हु भी बता दिया आपने, हुम भी बता दिया, भीच भी बता दिया, अब जरा मुझे दैट भी समझाओ। तो चलिए ठीक है आपको दैट के पास भी लेके चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन में सुपरलेटिव डिग्री का यूज है और आर्टिकल द मिल रहा है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन में आगे दैट लगने का चांसेस है, या क्वेश्चन में द के साथ में वनली, द के साथ में फ्यू, द के साथ में वेरी, द के साथ में सेम, ये सब टर्म्स भी अगर आपको दिखते हैं तब आपको कह सकते हैं कि क्वेश्चन में दैट का यूज ही होना है तो होना है वाली बात हुई। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं ना कि सिंटैक्स रूल में रिलेटिव प्रोनाउन को देखते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ अपना एक कॉमन सेंस क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना वो बस एक रिलेटिव वर्ड की तरह है, ये सिर्फ दूल्हे के फूफा जी हैं, समझे ना। दूल्हा किसको बनना भैया, नाउन को ही बनना है,
मतलब साफ समझ रहे हो ना कि रिलेटिव प्रोनाउन कभी भाव लेके नहीं आएगा। बस भाव जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का, वो हमेशा जो होता है उसी नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन को पहले होता है। बात जो है शॉर्टकट में समझना है तो समझो। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पे रोहन है और यहाँ पे क्वेश्चन में हु है, और हमको यहाँ पे रखना हैज और हैव। ये हैज और हैव का डिसीजन जो है वो पूरा तरह से किसके अकॉर्डिंग होगा? रोहन के अकॉर्डिंग होगा। मतलब समझ पाए आप सब कि क्वेश्चन में जो नाउन होता है वो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले होता है और वो भाव लेकर आते हैं, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन भाव लेके जाता है। ठीक है, यही मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है ना, कि भाई ये रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ एक फोफा जी की तरह बिहेव करने वाले हैं, सब्जेक्ट का काम तो उसी का है जिसकी शादी है, यानी नाउन का। चलिए अब स्टूडेंट हमारे पास कॉन्सेप्ट अगर हो गया हो तो हम लोग प्रैक्टिस सेशन के लिए आए, तो चलिए आते हैं। सबसे पहले मुझे बताना है कि क्वेश्चन में ऑप्शन में आप देख रहे हो कि चार चार ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, तो परेशानी आपको लग सकती है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में निकालता हूँ आपको। ट्रिकी वे में कैसे बताना चाहिए इसको वो देखता हूँ। चलो स्टूडेंट सबसे पहले मुझे बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में द ओनली आपको दिख रहा है साफ साफ, तो करोगे यस सर दिख तो रहा है सब। तो द प्लेनेट का मतलब ये द हो गया, पहले तो ये सजीव है नहीं तो हु होगा नहीं, और ये हुम का स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। आपने कहा कि सर द ओनली द वेरी, इस सेंस में हम क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। भाट रिलेटिव प्रोनाउन है नहीं आपका, कैंसिल हो गया स्टूडेंट। दिस इज द सेम पेयर ऑफ सोच, लग रहा ना कि द सेम पेयर कहने का मतलब प्लूरल सेंस भी है या सिंगुलर सेंस है, हमको से कोई मतलब नहीं है। द सेम कहने का मतलब हो रहा है डिफिनेट सेंस, और डिफिनेट सेंस में फिर से क्या लगेगा? दैट लगेगा। इट वॉज 2011, अब जैसे आप 2011 देखोगे तो आपको लगेगा टाइम होना चाहिए था, टाइम का मतलब वेन होगा। द स्टॉप कहने का मतलब प्लेस लग रहा है आपको, तो अगर प्लेस लग रहा है इतना श्योर हो तो भाई प्लेस लग रहा है तो वेयर लगाओ ना। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ तक आपको ना, कि भाई हाँ सही बोल रहे थे, रिलेटिव प्रोनाउन तो हम लोग देख के भी डिसाइड कर सकते हैं। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या सिखाएंगे? आप सबको खुद ही पता है कि ये दादा दादी और नाना नानी के समय से चलाना वाला कहावत है भैया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इसमें हम कुछ नहीं सिखा सकते, आपको डायरेक्ट ये आंसर याद रखना होता है, क्योंकि मुहावरों में और कहावतों में टीचर का योगदान कुछ नहीं होने वाला है। तो हर वक्त बोलते ना हर व्यक्ति अपने आप में कि हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, तो वही इंग्लिश होता है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैं बस एक ही ट्रिक आपको बताऊंगा कि बाई है क्या, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेके आता है? ऑब्जेक्ट लेके आता है, और ऑब्जेक्ट और हु और हो में होता कौन है भैया? तो हुम होता है। वही बात हुआ ना कि आई डोंट नो बाई होम यू हैव बिन इन्वाइटेड, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इन्वाइट किसने कर दिया। यस्टरडे आई मेट ए मैन यू नो वेरी वेल, चलो मैंने काउंटिंग करना सिखाया था तो काउंटिंग कर लेते हैं। आई एस वन, मेट आपका भला भाव, यू दूसरा सब्जेक्ट, नो दूसरा भाव। अब यहाँ पे काउंटिंग आप लोग कर ले, सब्जेक्ट की संख्या और भाव की संख्या इक्वल हो गई, स्टूडेंट आपको ऑब्जेक्ट उठाना था तो क्या लगा दिए? होम लगा ली। ये जो सब्जेक्ट भाव काउंटिंग आपको मैंने सिखाया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास है, आई नो द मैन विल श्योरली बी योर असिस्टेंट। चलो काउंटिंग करना है तो कर लो, एस वन हो गया आई, नो हो गया वी वन, विल के साथ बी जो है आपका वी टू है, दूसरा सब्जेक्ट आपको दिख रहा नहीं है तो आप एक सब्जेक्ट और दो भाव काउंटिंग करके बताओगे, और जैसे ही आप कहोगे कि एक सब्जेक्ट और चाहिए था तो क्वेश्चन में किसको सेलेक्ट करोगे? वो को सेलेक्ट करोगे। क्लियर हुआ? चलिए तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? एक हो गया। गेस्ट आस्ट मी आउट ऑफ द टू सर्वेंट्स, अब जैसे ही आप कर रहे हो आउट ऑफ टू सर्वेंट्स, इसका मतलब सिलेक्शन है और यहाँ पर कॉम्पिटेटिव डिग्री भी मिल रहा है, तो हर तरह से आंसर क्या होने वाला है? बीच होने वाला है। इट इज द मदर्स मिल्क दैट कैन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, अब कहोगे सर ये किसी और सिर्फ माँ का ही दूध है जो हम लोगों को हर प्रकार की ताकत देता है, तो डिफिनेट सेंस में दैट लगा लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट आपको मैंने सिखा तो दिया कि भाई चलो रिलेटिव आप कैसे फील करोगे, लेकिन अब आपको मैंने कहा कि उसका भाव भी आपको देखना होगा। चलो तो भगत सिंह के लिए भैया तो आपने यहाँ पे इज लगा लिया, अब जब आपने यहाँ पे इज लगा ही लिया है तो अब आगे देखते हैं कि आगे सेंटेंस में क्या होने वाला है। चलिए हो गया ना, भगत सिंह के लिए क्या लगा लिया भाई? इज लगा लिया। अब मुझे देखना है कि हु के पहले यहाँ पे फ्रीडम, फाइटर में एस लगा हुआ है, अब जब फाइटर में एस लगा हुआ है यानी फाइटर प्लुरल है, तो आंसर क्या होना था? बी होना था। अब देखो मैंने सिखाया नहीं है बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे, लेकिन हो सकता है आपको धीरे धीरे की चीजें समझ में आ जाएगी कि दोज और दे में फर्क क्या है, कि दे जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है ना, दे क्या है भाई? पर्सनल प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन ने अपने साथ ये नियम बना रखा है कि हम कभी भी आएंगे लेकिन हम पर्सनल प्रोनाउन के साथ नहीं आएंगे, तो ये जब भी आता है हमेशा किसी इंट्रोडक्टरी के साथ आता है, किसी के साथ इंट्रोडक्टरी के साथ।
क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन में जब भी आपको हु के पहले रखना हो तो आप रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे आए हैं, तो आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं रख सकते, पर्सनल प्रोनाउन आंसर हो जाएगा आपके पास में क्या। तो अब कह रहे ना कि टी नॉट सी भी नॉट डिड नॉट ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपके क्लास का ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। इसको बच्चे जो समझ जाओगे ना, तो ये समझोगे आपके लाइफ टाइम में बहुत ही यादगार क्वेश्चन होने वाला है। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो काफी दिनों के बाद आपको इनवाइट किया, आप उसके यहाँ गए भी, फिर वापस आए हैं, तो थर्ड फ्रेंड पूछ रहा था जो नहीं जा पाया उसके घर, वो पूछ रहा था यार उसकी शादी में मैंने गया था, सोचा था तुम्हारे साथ जाऊंगा लेकिन तुम तो चले गए, मेरे को इन्वाइट भी नहीं किया तुमने। अच्छा बताओ यार, चाय कॉफी पानी सब तो बढ़िया से कराया ना उसने? तो आपका तो यार चाय तो रहने ही दो, है ना, उसने तो पानी भी नहीं पूछा। इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो नॉट भाट नहीं, कह रहा यार चाय तो नहीं है छोड़ ही दो, है ना, उसने तो भाई पानी भी नहीं पूछा। तो क्वेश्चन में ऐसे केस में आपका रिलेटिव वर्ड जो होगा वो क्या होगा, नॉट होगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में तब आएगा जब इसको आप रेगुलर यूज करोगे स्पोकन लैंग्वेज वगैरह में तब। चौथा में कह रहा है कि विनोबा भावे इज वन ऑफ द गांधी के अंश, हु डिड नॉट सॉरी हु डिड भाटी बिलीव्ड। एक बात एक बात, क्वेश्चन में ही कहां से आ गया, जब आपने कहा कि हु के पहले गांधियन में एस लगा हुआ है तो गांधियंस के हिसाब से यहाँ पे देना होना चाहिए था। चलिए समझ में आया? ओके, तब जब समझ में आ ही गया है तो क्वेश्चन में आप लोग देख लो ना, भाट डिड दे, है ना, ओके हु डिड भाट दे बिलीव्ड। अब देखो यहाँ पे डज तो होगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन पास्ट का है, अब डिड वाला ये दोनों ऑप्शन है जिसमें बिलीव में ऐसे लगा दिया है, तो साइकोलॉजिकली आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए 15 में है, कांबली के बाद वन ऑफ द प्लेयर्स है, उसके बाद हैज का प्रयोग गलत बात है क्योंकि हु के पहले प्लेयर्स आपने रखा है, आप प्लेयर्स जो है प्लुरल है, तो यहाँ पे हैव होगा। सी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स, ठीक है, दैट के बाद यहाँ पे हैज है लेकिन दैट के पहले तो यहाँ पे मदर में एस लगा हुआ है, तो मदर में जब एस लगा हुआ है तो हैव होगा, रिलेटिव तो भव लेता नहीं है। चलो यहाँ पे वही काम करो, हु के बाद आप कम्स देख रहे हो और हु के बाद आप स्टूडेंट्स देख रहे हो, तो जब स्टूडेंट में एस लगा है तो भाई आपका कम्स में तो एस हटेगा। डेनियल वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेज, हाँ फिर यही गलती है, दैट के बाद यहाँ पे हैज है, दैट के पहले यहाँ पर जजेज है जो प्लुरल है, तो यहाँ पे है होना चाहिए था। देर इज ओनली वन ऑफ द, यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑफ द डे अगेन आ गया आपका 19 नंबर, कि जब क्वेश्चन में ओनली वन का यूज किया जाता है तो वैसे कैसे में क्या करना है ये ध्यान दो कि भाई आपका भाव हमेशा सिंगुलर होगा, रिलेटिव वाला नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको दैट के पहले भले ही नोबल्स दिख रहा हो लेकिन आप आंसर यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, है ना, किसके अकॉर्डिंग, वनली वन जब यूज होगा तब, ठीक है, वनली वन के अकॉर्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन का रूल फेल हो जाता है और भाव सिंगुलर कर देना। चलो बाकी तो यहाँ पे आप देख रहे हो, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गेव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे हु के पहले बॉयज था तो बॉयज के हिसाब से आपको गिव रखा गया है और उसके बाद इज का प्रयोग यहाँ पे वन ऑफ के हिसाब से किया गया है। फिर आगे है आई एम द वन हु एम टू बी ब्लेम्ड, सबको पता है यार कि हु के पहले आपने यहाँ पे वन को देखा है तो वन का मतलब सिंगुलर और सिंगुलर का मतलब यहाँ पे एम की जगह इज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 22, ये तो बड़ा आसान लग रहा होगा सबको कि हु के पहले आई है तो आई के हिसाब से एम हो जाएगा। ये वन डे वन कॉन्सेप्ट आप लोगों को इतना सारा क्वेश्चन जो दे रहा है ये इसलिए दे रहा है क्योंकि भाई आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आना ही आना वाला बात है। ए कंप्यूटर वर्क्स एग्जैक्टली लाइक अ बायोलॉजिकल वेराइटी ऑफ विच जो भी है, भीज इन्वेट्स कर दिया। अब बताओ भीज के बाद इन्वेट आपका वी वन है और भीज के पहले वेराइटी आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इन्वेट में क्या लगाएंगे। 24 में है वन ऑफ द पेपुलरिटीज है, ओके ठीक है, तो भीज के पहले देख लो पेपुलरिटीज ऑलरेडी प्लूरल टर्म है, इसका मतलब है कि इसके बाद प्लूरल वर्ब होना चाहिए था, प्लूरल वर्ब के लिए क्या होना चाहिए था, ईएस नहीं होना चाहिए था, तो आंसर बी होगा। इट इज आई है तो सबको पता है कि भैया यहाँ हु के पहले आई तो आई के हिसाब से चलेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, एम हो गया। अब सबको पता है कि हु लिव इन ग्लास हाउसेस बोलने से अच्छा है कि दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, आंसर सी हो जाएगा। कि जो दूसरों पर पत्थर, मतलब जो खुद ही शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर ना फेंके, वही मैंने सिखाया था ना कि हो के पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन जब भी रखना है तो दोस्त को रखिएगा, इसलिए मैंने दोस्त को यहाँ पे आंसर करवा दिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर दिस ईयर, सबको पता है यार कि नॉवेल्स के पहले हम लोग कुछ नहीं थे, बस यहाँ पे वही मानते थे कि सबसे बढ़िया नॉवेल है और इसके बाद एस लगा हुआ है, तो इसके हिसाब से आप हैव का यूज कर सकते हो।
है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपियर दिस ईयर, है ना। आंसर क्या करेंगे? नो करेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देख सकते हो, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन स्पीक, से अच्छा है दैट कैन स्पीक लगाओ, क्योंकि मैंने बोला था कि जब क्वेश्चन में द ओनली का प्रयोग करोगे तो दैट लगेगा, तो क्वेश्चन में हु के जगह क्या लगाएगा? दैट लगेगा। दिस इज द बैग, सबको पता है कि इन के साथ तो अच्छा लगेगा बीच ही, इसलिए हम लोग क्या आंसर करेंगे? इन बीच। 30 में कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल विच आस्क फॉर द डिस्काउंट वाज लो बट ड्यू ड्यूरिंग द समर पीरियड। द नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद यहाँ बीच रख दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था या तो दैट होना चाहिए था। इस इज द सेम स्टोरी, सबको पता है यहाँ भी वही नियम लगेगा, द सेम के हिसाब से दैट लगना चाहिए था बस। देखिए 32 में, यहाँ पे तो वनली वन क्योर दे दिया है, तो वनली वन क्योर जब दे ही दिया है तो उसके हिसाब से चलते हैं कि देयर इज वनली वन क्योर टू द इविल्स व्हिच न्यूली एक्वायर्ड फ्रीडम प्रोड्यूसेस। तो वनली वन में वर्ब सिंगुलर होता है, तो यहाँ प्रोड्यूसर सही था। चलिए, पीपल हुम आर आउटडोर्स ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टू मच सन। अब सबको पता है कि यहाँ काउंटिंग करेंगे तो पीपल एक सब्जेक्ट होगा, आर आपके पास दूसरा भाव नहीं पहला भाव होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपके पास जो यहाँ पे नीड यूज किया गया है, ये दूसरा सब्जेक्ट किया गया है, और उसके बाद नीड, सॉरी, पीपल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नीड टू प्रोटेस्ट देमसेल्व्स टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टू मच सन। हाँ, तो यहाँ पे नेट आपका दूसरा भाव है, जब दूसरा भाव है इसका मतलब हमको एक सब्जेक्ट और चाहिए था, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट बैलेंस करने के लिए क्या लेंगे? वो लेंगे। अ स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज हुम ही बिलीव्ड वेयर ट्विंस। अब सबको पता है कि क्वेश्चन में आपको फिर काउंटिंग ही करना है, तो करो, द स्ट्रेंजर हो गया और मेट हो गया, फिर सब्जेक्ट भाव बैलेंस करना ऐसे भी सीखो, ही के साथ बिलीव्ड हो गया ये भी सीखो, तो बेयर जो एक्स्ट्रा वर्ब है वो किसके लिए है? तो होम के लिए है ना। चलिए तो वही करिए, तो क्वेश्चन में क्या हो गया? द स्ट्रेंजर मेट टू बॉयज हु बेयर थिप्स, ठीक है, हु बेयर थिप्स। चलिए आंसर क्या कर लेंगे? फर्स्ट वाला। आई नो के बाद टू लगा दिए हो, सबको पता है यार टू के बाद तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होना चाहिए था, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होने के लिए हमारे पास प्रोनाउन कौन सा था? तो होम होगा। आई नो द गर्ल डांस यस्टरडे, सबको पता है कि क्वेश्चन में फिर से डांस टू मेन वर्ब है, मेन वर्ब के पहले हु लगता है, तो हुई रहे, काउंटिंग है तो कर लो, एक सब्जेक्ट ये है एक वर्ब ये है, यहाँ से क्लियर हो गया। आई मेड द टू गर्ल्स होम आई बिलीव, फिर वही काम है, क्वेश्चन में आई के लिए बिलीव है, तो भाई आर के लिए क्यों होना चाहिए था? तो आर के लिए यहाँ पे क्या हो गया? हो गया। मे आई नो के बाद टू है, टू हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेता है, तो होम लगा के भेजो। दिस इज द ओनली, दिस इज द बॉडी हु आई थिंक हैड वोन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, यहाँ बॉय होना चाहिए था। देखो यहाँ से दिस इज के लिए बैलेंस हो गया एक खुद में, आई थिंक बैलेंस हो गया आपके पास में। अब जो हैड वोन रखा है वो तो पक्का सब्जेक्ट के लिए होगा, हु के लिए, तो भी सही है, यानी कि क्वेश्चन में एक तरह से कहा जाए तो इस बार मिस्टेक समझ में नहीं आ रहा है। हो गया, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वोन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं पता है? जब क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है तो द वाई का यूज किया गया है, तो उसके हिसाब से दैट लगा सकते हो, आप ये सोच सकते हो। दिस इज द ओल्ड मैन होम आई सेड हैड हेल्प मी, तो दो दिस इज हो गया कंप्लीट, आई सेड हो गया कंप्लीट, और होम हैड हेल्प मी का मतलब हो गया कि क्वेश्चन में गलत है, क्योंकि वर्ब है और वर्ब के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए, तो हु कर दीजिए। बींग ही सोल कॉम्पेनियन आई वॉज वन ऑफ द अच्छा, बींग हिज सोल कॉम्पेनियन आई वॉज द वन टू होम, टू होम होगा, टू के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। हेयर इज द मैन होम आई थिंक कमिटेड द क्राइम, चलो काउंटिंग करते हैं, हेयर इज द मैन कम्प्लीट हो गया, आई थिंक कम्प्लीट हो गया, तो क्वेश्चन में जब कमिटेड द क्राइम यूज किया गया था उस समय सब्जेक्ट आपके पास में नहीं था, हो गया। चलिए 1 मिनट का ब्रेक है थोड़ा सा के लिए।
चलिए स्टूडेंट। तो देखिएगा सेशन में आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और भी क्वेश्चंस हैं। जी हाँ बिल्कुल है। तो आपने यहाँ से देख लिया कि क्या देख लिया कि हाँ ये तो हो गया था ना। चलो एक मिनट देखिए। तो ये तो आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का वो सारा क्वेश्चन करने का कोशिश मैंने कराया है जो आज आपको कॉन्सेप्ट जिसका मैंने बताया था। अब इंटरव्यूअर वाला ये जो क्वेश्चन आपको 43rd में दिख रहा है, तो आप लोग खुद ही बताइए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछेंगे कि भाई आप कौन से जिले से आते हैं, तो भाट डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए था भैया कि यहाँ पे तो सॉरी फ्रॉम बीच होना चाहिए था। तो आपको अगर सर यहाँ तो फ्रॉम बीच अच्छा लग रहा है, तो आप देखो लास्ट में फ्रॉम जब लगा दिया है तो अच्छे टू भाट को क्या कर दो, बीच कर दो, क्योंकि सिलेक्शन सेंस। चलिए स्टूडेंट, अब इसके बाद जो आपके पास में मेंशन किया गया है ओडब्ल्यूएस का क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। इसको आप खुद से देख लेंगे, इसके आंसर्स आपको दिए हैं लास्ट में, आप वहां से कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आपके पास ओडब्ल्यूएस का फ्रेजेस है जिसको आपको समझाने के बाद क्वेश्चन नीचे दिया जाता है, आपको उनको समझ करके पढ़ करके बनाना होता है। तो आपने कहा कि अगर आपको भाई बहन पे बहुत प्यार आ रहा है तो आप प्यार पोर आउट यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस फीलिंग, खास करके किसी प्रकार के फैमिली इशू में अपना प्यार उम्मीद रखना या फिर अपना फीलिंग बताना। पुल आउट तो बस यही सोचना है कि जब ट्रेन वगैरह अपना है जो कि चेन खींचते हुए ट्रेन से बाहर निकलती है, मतलब कि प्लेटफॉर्म से, तब यूज करना है। पुल आउट हम तब यूज करते हैं जब आग बुझाने की बात आती है, तो एक्सटिंग्विश यानी आग बुझाना होता है, फायर को बुझाने के लिए यूज करते हैं। राइड आउट का मतलब होता है कि कैसे भी करके मुश्किलों में भी आपको सर्वाइव करना है ना। और रूट आउट का मतलब होता है पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना। तो फ्रेजल वर्ब कुछ खास नहीं होते हैं, बस अंडरस्टैंडिंग पे आधारित होते हैं, आपको देखना होता है। जैसे एक बार देखिए पोर का मतलब उड़ेलना होता है, ऐसे छोटे बर्तन और बड़े बर्तन के सेंस में आता था, लेकिन यहाँ पे पोर आउट का मतलब इमोशन उभेरना। पुल आउट का मतलब ऐसे ही पता चल रहा है कि पुल मतलब खींचना है, आउट मतलब बाहर है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो इंजन है वो क्या करता है, ट्रेन को खींच करके बाहर ले जाता है, तो वहां से आपको याद रह जाएगा कि पुल आउट का मतलब होता है स्टेशन वगैरह छोड़ना। पुट आउट जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला आपका फ्रेज, तो आपको ये तो कंफर्म याद होना ही चाहिए। ठीक है, राइड आउट में वही मुश्किलों में भी सर्वाइव करने के लिए यूज करना है, और रूट आउट तो हमको लगता है सबको पता है। अब जरा क्वेश्चन में आइए ना, तब जाके समझ में आएगा कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। करा यू विल हैव टू ट्राई, डोंट एक्सपेक्ट योर लक टू डिफिकल्टीज एंड स्ट्रगल। कहना क्या चाह रहा है, आपको खुद ही प्रयास करना चाहिए और अपने जो मुश्किल के दौर हैं उन मुश्किल के दौर से खुद को बाहर निकालना चाहिए, राइड आउट करना चाहिए, सही घोड़ा पकड़ के, है ना। यहाँ हो गया, क्योंकि देखो रूट आउट जड़ से समेटने वाला कोई समस्या और बीमारी तो है नहीं, तो यहाँ भी कैंसिल कर दो। करें कि 1000 लीटर ऑफ वाटर जो है वो यूज किया गया था आग को बुझाने के लिए, तो सबको बताया गया था आग को बुझाना है, तो भाई आप यूज कर सकते हो क्या, रूट आउट। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन जो है वो खींचती जा रही है, इसका मतलब पुल आउट का सेंस लग रहा है ना। चलो ही हिज डीप इमोशन बिफोर हिज गर्लफ्रेंड, उसने अपनी गर्लफ्रेंड पे प्यार उड़ेल दिया, यानी आंसर क्या हो जाएगा भैया, पोर आउट हो जाएगा। अब इसके बाद का जो सेशन है स्टूडेंट, उसमें हम लोगों को क्या है, एक इडियम सेक्शन का कॉर्नर है जिसमें हमको मुहावरों को याद करना होता है सामने सामने, और कभी भी लाइफ में जब आएगा क्वेश्चन तो वहां पे आपको बनना चाहिए, अदरवाइज ये पढ़ना ही बेकार है। जैसे आपने कहा ना कि गो टू डॉग्स इतना फेमस है कि मत कहो, इसका मतलब ही होता है किसी को हक ना लगना, इसका मतलब टू बी वेस्टेड हो गया। ठीक है, क्या होता भैया, हक ना लगना। अब जब किसी को हक ही नहीं लगा, इसका मतलब कि कुत्ते को गया। ये डॉग इन द मैनेजर, सोच लो कि आपने डॉग को मैनेजर बना दिया कि भैया तुम देखना खाना, हम लोग नहा करके आते हैं, बताइए वो पार्टी रहने देगा या सारा चीज उठा देगा, कहोगे सारा चीज उठा देगा, इसका मतलब होता है पार्टी बिगाड़ देगा। ठीक है, बिगाड़ने वाला। चलिए नेक्स्ट है लेट द फ्लाई, ये तो हम यूज करते हैं कि देखो प्रॉब्लम को भड़काने से अच्छा है प्रॉब्लम को रहने दो शांत, इसका मतलब है लेट द स्लीपिंग स्टॉक लाइक का मतलब होता है अवॉइड प्रॉब्लम। ठीक है ना, अवॉइड प्रॉब्लम। ए सी टॉप का मतलब तो मैंने पहले भी समझाया था कि अगर कोई डॉग जो है समुंदर में तैर सकता है तो अनुभव भी आदमी है। लीड ए डॉग्स लाइफ का तो यही मतलब हुआ ना कि आदमी लगता है कि आवारा कुत्तों की तरह रोज खाना नहीं खा पा रहा है, इतना गरीबी में गुजर रहा है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब मूसलाधार बारिश होता है, रेनिंग हैवली होगा। अब खुद ही सोचो अगर कोई आदमी कुत्ते के घर में पड़ जाएगा तो मुश्किल में तो पड़ ही जाएगा, उसके कुत्ते के जो बिल्ले लोग हैं उसको नोच नोच के खा ही जाएंगे। फाइटिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब खुद ही सोच लो, लगता है इसका मतलब है ना कि टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहना,
यानी रोज रोज लड़ाई होना जैसे भाई बहनों में होता है। एवरी डॉग हैज हिज डे, ये तो सबको पता है कि लोग डायलॉगबाजी में बोलते हैं कि हर कुत्ते का एक दिन तो आता है, यानी हर आदमी की किस्मत अच्छी होती है। ये बार्किंग डॉग सेल्डम बाइक, हम लोग प्रकार आप लोग को पढ़ाए होते हैं पहले से भी, इसका मतलब ये होता है आपके पास में कि जो हमें बहुत कुछ बोलता है वो कुछ नहीं करता है, क्योंकि आप हिंदी करो ना, जो भौंकते हैं वो सॉरी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। चलिए अब इसमें और भी चीजें थी शायद नीचे ना, तो उसे देख लेते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको एक बेसिक क्लोज टेस्ट दिया जाता है बच्चों, जिसमें आपको आंसर्स करने होते हैं, और ये आपको क्या करता है ना कि क्लोज टेस्ट बनाने का हिम्मत आपको बढ़ाता है। जो डायरेक्ट ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 8, उसमें से 5 तो फेल ही हो जाने हैं, तो 3 आपको फालतू ऑप्शंस रखे गए हैं, और ये बहुत हेल्प करता है चीज़ों को या क्लोज टेस्ट को मास्टर करने में। तो जहाँ भी आप जाते हैं क्लोज टेस्ट के लिए कोई भी तकनीक आपको बताया जाता है, मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेहतर तकनीक हो सकता है। देखिए करें, मुझे नहीं पता या मैं कभी नहीं भूलूंगा, जो तो सबसे पहला और लास्ट टाइम मैंने टेनिस खेला था, क्या कुछ किया था इन्होंने, एक बार तो कंफर्म हो गया कि कहानी जो है वो पूरी तरह से आपको चलने वाली है, कहाँ पास्ट में चलने वाली है। चलिए पास्ट में नहीं कहीं चलना है तो फिर आंसर में हम लोग देर क्यों करें, यहाँ से लग रहा है कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पास्ट की घटना हो रही है। तो करें, मैंने एक टेलीविजन देखा, आप सबको पता है कि आई वॉच्ड अ टेलीविजन, ठीक है, जिसमें सॉरी ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है, हाँ इट एंड डिसाइडेड दैट इट वाज फन। अब सबको पता है कि टेलीविजन है, तो टेलीविजन पर आपने क्या देखा, कोई प्रोग्राम देखा, तो यहाँ पे शायद आपको आंसर जो करना चाहिए था स्टूडेंट वो क्या करना चाहिए था, प्रोग्राम करना। मैंने टेलीविजन पे प्रोग्राम देखा, ए टेनिस वाज गिविंग लेसन, सबको पता है कि टेनिस सिखाने वाला कोच होता है तो कोच ही रखते हैं, है ना, पहला जगह पे प्रोग्राम होगा, दूसरा जगह पे कोच होगा, अब कोच होगा या तो ट्रेनर होगा, तो एक और दो ये रख दिए, जो कि क्या कर रहा था, लेसन दे रहा था कम्युनिटी को, मतलब कि कम्युनिटी सेंटर जो था मेरे घर के आसपास में वहाँ, इसलिए मैं वहाँ पे गया और साइन कर लिया, मतलब फॉर्म अप्लाई कर लिया फॉर द, सबको पता है कि भाई हम लोग भी क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं या गेम्स की बात कर रहे हैं या लेसन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो बार बार यूज किया गया टर्म है आप उसे देख सकते हैं कि उसने क्या यूज किया, तो लेसन यूज किया है, तो आप लेसन ही यहाँ पे फील करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। अब करें पहले दिन की बात है ना, बी बेयर आउट हाउ टू होल्ड आवर रैकेट प्रॉपरली, हमको सिर्फ रैकेट कैसे पकड़ना ये सिखाया गया। अब देखो कोई भी बच्चा जो इंथुजियास्टिक नेचर का होता है या खेल में नंबर वन होता है, उसे मजा नहीं आएगा, आप उसको जब तक तो खेलने नहीं दोगे, सिर्फ बैट पकड़ाओगे और रैकेट पकड़ाओगे तो सही तरीका से गलत तरीका से करते रहोगे, तो वो दिन भर में थोड़ा सा तो ऊब जाएगा ही। वही था कि हमको सिर्फ सही तरीके से रैकेट पकड़ने के लिए बोला जाता था, हमने फिर कहा कि भाई सॉरी हम लोगों को कहा जाता था, है ना, बी वेर आस्ट टू स्विंग द रैकेट्स बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे करते रहो ऐसे ही विदाउट हीटिंग एनी बॉल, क्योंकि विदाउट वी फोर लेता है, अब वी फोर है कौन, तो हीटिंग है, इसलिए होगा वही कि बिना हिट किए है जो कि आप। चलो फिर कहता है इट वॉज अ प्रीटी बोरिंग, मतलब ये थोड़ा बोरिंग था, ए प्रीटी, हाँ देखो प्रीटी का मतलब अ लिटिल बिट होता है, आजकल स्पोकन का इतना क्रेज चल गया है कि कौन सा वर्ड कब यूज होगा पता नहीं, होगा इट वॉज अ प्रीटी प्रीटी बोरिंग, ये थोड़ा बोरिंग था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है एक बार बॉल को मार ही देता हूँ। मैंने जैसे ही इतना हार्ड अपने बॉल पे मतलब तो रैकेट से अपने बॉल पे मारा वहां पर जो है बैडमिंटन के लिए था, और वो जाकर सीधे मेरे कोच के राइट और फोरहेड पे लगा, तो सबको पता है कि हिट कर गया, हिट कर गया का मतलब हो गया आपके पास में स्ट्रक, यहाँ पे फिलहाल तो इसलिए आंसर हो जाएगा स्ट्रक। आई नेवर वेंट बैक फॉर द टेनिस लेसन अगेन, और उसके बाद से मैंने टेनिस लेसन पे जाना छोड़ दिया। अब ये तो था आपके पास में जो मतलब कि कह सकते हैं कि बेसिक क्लोज टेस्ट था। अब यहाँ से आपके पास आता है वो सेक्शन जो कि आप लोगों का एडवांस होता है, मतलब ये एग्जामिनेशन से जिसे आपको दिया जाता है।
देखिए स्टूडेंट, तो इसमें हम लोगों को जो एडवांस क्लोज टेस्ट है, इसके आंसर्स वगैरह आप लोगों को चार में से एक फाइंड करने होते हैं बेस्ट वाले। तो सबसे पहले लिखा है कि मैं दिल्ली पहुंचता हूं, 2009 की घटना है, एक बहुत ही छोटे से शहर से मैं दिल्ली पहुंचा। अब यहाँ पे कह रहा था कि आई हैड लिव्ड इन अ बिग सिटी बिफोर, तो मैं कभी नहीं शायद रहा हूँ इतने बड़े शहर में। आप यही कहना चाहोगे ना, तो शायद आप नेवर यहाँ पे फील कर सको। फिर कह रहा था कि इट वॉज अ एक्सपीरियंस फॉर मी, ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था यार, तो मेरे लिए अलग एक्सपीरियंस को हम लोग यूनिक एक्सपीरियंस ही कह सकते हैं, है ना। यूनिक का मतलब जो चीज़ मैंने लाइफ में कभी किया नहीं है, तो अनोखा का सेंस लग रहा है, इसलिए हम आराम से क्या रख सकते हैं, ये मेरे लिए थोड़ा अनोखा एक्सपीरियंस होने वाला था, यूनिक एक्सपीरियंस होने वाला था। करा कि मैं इधर उधर घूमता हूँ, सीखता हूँ, और क्या सीखता हूँ भाई, तो पता नहीं। तो आगे जब ऑफ रहता है तो नाउन जनरली क्या लेता है, द लेता है। अब देख लो भाई, थर्ड में ऑप्शन में द इतना बढ़िया से दिख रहा है। द लेसन्स ऑफ स्ट्रीट्स एंड आस सॉरी एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ कि गली गली घूमता हूँ और उन सब चीज़ों को सीखना शुरू करता हूँ, टेकिंग नोट। आप सबको पता है कि अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं स्पोकन के, तब होगा टेकिंग ए नोट ऑफ, है ना, टेकिंग नोट ऑफ द सब, नोट ऑफ समथिंग, है ना, टेकिंग नोट ऑफ समथिंग। और मैं क्या करता हूँ, दुकानों का लिस्ट बनाता हूँ। का मतलब ऑफ हो गया, कि मुझे कहाँ से कौन सी सामान लेनी है और कहाँ से क्या करना। कुछ महीनों के बाद, भटकने के बाद, मतलब शहर में घूमने के बाद इधर उधर, मुझे ऐसा एहसास होता है। जब कुछ दिन आप टाइम दीजिएगा तो उन सब चीज़ों को आप एनालाइज करोगे ना, तो उसके लिए आप बोलोगे मुझे ऐसा एहसास होता है या एहसास लगता है, ऐसा होने लगता है, अब उसके लिए रियलाइज यूज करोगे। फिर आगे बढ़ो, क्या रियलाइज होता है कि आई हैड स्लोली बिकम फैमिलियर विद दिल्ली, कि मैं भी अब दिल्ली का होने लगा हूँ, है ना। उसके बाद हो जाएगा आपके पास में कि भाई मुझे ऐसा धीरे धीरे महसूस हुआ, और मैंने महसूस किया कि अब मैं घर पे रहता हूँ जैसा। एट होम का मतलब ही होता है आपके पास में फ्रेंडली, है ना, एट होम का मतलब क्या हो रहा है, फ्रेंडली। अब मुझे घर जैसा फील दिल्ली में होने लगा था। कुछ वीकेंड गुजरे, मैं पैक किया कुछ खाने पीने का चीज़, चापाती बोल रहे यहाँ पे, और सबको पता है कि दैट सर्व्ड एज माई मिड डे मील, जो कि मैं अक्सर अपने मिड डे मील के तौर पे ले जाया करता था, मुझे सर्व करके मिलता था सर। देन आई लेट फॉर ए पार्क, उसके बाद सबको पता है कि मैं जनरली टहलने के लिए ही पार्क जाऊंगा, तो नज़दीक का कोई पार्क पकड़ूंगा, तो नज़दीक का जो इंग्लिश होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं नियर बाई, और मैं वहां से नियर बाई पार्क चला गया। अब हमें यहाँ पे देखना है कि 9 नंबर के लिए नीचे ऑप्शन तो इधर दिख नहीं रहे, ऑप्शन तो मुझे वहां है, तो चलिए पहले उधर के देखते हैं कि विदाउट उधर देखे भी बन सकता है या नहीं बन सकता है। हाँ चलिए देखिए, तो आगे बढ़ाते हैं। तो लिख रहा था कि आई स्पेंड आवर्स द पीपल ऑफ माई न्यू सिटी, अब सबको पता है कि मैं अपने नए शहर के लोगों से क्या करते हुए उतना पे समय बिताया, मुझे लगता है देखते हुए। पार्क में बैठूंगा तो क्या करूंगा, देखता रहूंगा, है ना, घंटों। वॉचिंग द पीपल ऑफ माई न्यू सिटी, फीडिंग द बर्ड्स एंड विथ बिट्स ऑफ चपातीज, मतलब कि सबको पता है कि वो भी क्या कर रहे थे भाई, वहाँ पे खाना वगैरह खा रहे थे। व्हाइल द बर्ड्स विथ इट्स सॉरी बिट्स ऑफ चपाती। चलिए हो गया ना, कुछ लोग और भी मेरे साथ में उस दौरान खाना वहाँ पे खा रहे थे। तो जो चीज़ें ऑलरेडी आपको थोड़ा सा लगने लगती है कि ये एडवांस है, तो वो एडवांस होती नहीं है, हम लोग उसको देख के अगर डर रहे हैं तो बेकार डर। चलिए स्टूडेंट, प्रीपोजिशन फिलर की अगर आप बात करें, तो आपको खुद ही सोचना चाहिए कि ये जो सेक्शन है अब तक का सबसे बढ़िया प्रीपोजिशन सेक्शन रिवीजन आपको चल रहा होगा, शायद आपने क्लासेस में भी इतने नहीं किए हों। तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, जो देखो, आप सबको पता है कि इंसिस्ट अगर हम करते हैं तो किसी चीज़ के ऊपर करते हैं, इसलिए हम लोग क्या हमेशा लगाते हैं ऑन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। जब भी हम कम प्राइस बढ़ गई करते हैं तो उसके साथ हम ऑफ लगा नहीं सकते हैं, है ना, कंसिस्ट के साथ लगा सकते हैं, इसलिए हम लोग आंसर यहाँ पे एक भले ही दे दिया था मैंने, लेकिन आपको आंसर क्या करना चाहिए था, कंसिस्ट, है ना। बाकी जिनको दिक्कत है वो यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉम प्राइस बराबर कंसिस्ट ऑफ, हम लोगों को बचपन से न जाने कितनी बार है जो कि सुनाया गया है, तो कॉम प्राइस के साथ हम लगाएंगे नहीं बल्कि कंसिस्ट के साथ लगाएंगे ऑफ। माई हैपनेस, सबको पता है कि लाई मतलब कुछ नहीं होता स्टूडेंट, लाई इन का मतलब निहित होता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इन सब चीज़ों को याद ही कर लेना बेहतर होगा, क्योंकि देखो क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं जो कॉन्सेप्ट से नहीं बनती हैं बल्कि हिंदी से बनती है, तो वही ना करा है कि आपने कहा कि दूसरों की भलाई में खुशी है, मे का मतलब इन लगा,
अब सबको मैंने सिखाया था कि जब फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि वो केमिकल चेंज है तो बड़ा वाला देना और फिजिकल चेंज है तो छोटा वाला देना। तो ब्रेड अगर हमने गेहूं से बना लिया तो फिर वापस कोई हमें रोटी से गेहूं बनाने बोलेगा तो हम कहेंगे माफी चाहते हैं, यानी केमिकल चेंज है। आंसर क्या कर लेना है, बी कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास में है, टेबल्स आर यूजुअली, तो सबको पता है बाबा कि टेबल जो बना है वो क्या चीज से बना है, लकड़ी से। और जैसे ही लकड़ी से बना है टेबल तो हम टेबल को गुस्सा में तोड़ देंगे तो फिर से लकड़ी के भाव बिकेगा, तो ये है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या लेते हैं, ऑफ लेते हैं। मेनी प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कम फॉरवर्ड टू हैव ए बीथ फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री फ्लोरिशिंग है, परिवर्तनशील है, प्रगतिशील है, उनके साथ टाई अप करना चाहती हैं। तो टाई अप विद संबंध है ना, टाई अप विद संबंध। डज दिस ईयर रिंग बिलोंग टू एनी वन ईयर, है ना, बिलोंग के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, और बिलोंग टू का मतलब ये होता है किसी से संबंध रखना। हैव यू कंट्रीब्यूटेड मनी योर लोकल लाइब्रेरी, आप सबको पता है कि कंट्रीब्यूट करने का मतलब है किसी को देना, टू लगेगा, है ना, कंट्रीब्यूट समथिंग टू समवन। अगला में है कि भाई इंसिस्ट के साथ तो आपने मैं ऑन सीख लिया, तो अब मुझे बता दीजिए 9 नंबर में कि परसिस्ट के साथ क्या करोगे, तो परसिस्ट के साथ और अच्छा करेंगे, और क्या करेंगे, इन करेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों को सीखते हैं, जो उसको लिखना भी है कि हाँ यार दो चीज़ें मुझे कंफ्यूज कर सकती हैं, इंसिस्ट के साथ ऑन और परसिस्ट के साथ में इन। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा ना कि ये जो रिंग है वो बना हुआ है टाइटेनियम का, तो सबको पता है कि आप उस रिंग का डिजाइन वगैरह को भुला जाइए तो फिर से वो टाइटेनियम ही तो है। फिजिकल चेंज है भैया, तो आंसर हो जाएगा मेडम। सक्सेस के बाद फिर से कंसिस्ट है, तो सबको पता है कि कंसिस्ट के साथ ऑफ भी लग सकता है और इन भी लग सकता है, यहाँ पर आपको देखना है कि क्या आंसर करता है। सफलता जो है दूसरों को वैल्यू देने और एक्सेलेंस को डिलीवर करने में है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप लगा सकते हैं कंसिस्ट के साथ भी। क्या दैट ब्रांड नेम इज एसोसिएटेड, आपको खुद ही सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी से जुड़ा हुआ है तो एसोसिएटेड है, तो किसी के साथ है तो कित लगेगा। कंसिस्ट क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से आ गया, आराम से आप है जो कि लगा सकते हैं आपके पास, लेकिन कह रहा है ना क्या, द कैंडी कंसिस्ट चॉकलेट एंड कैरमल, इस कैंडी में जो है वो शायद है जो कि कुछ चॉकलेट्स भी हैं। तो सबको पता है 13 का आंसर क्या होने वाला है, ए को नंबर। वुड यू लाइक टू सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जो वर्ड है वो हमेशा क्या लेके आता है, टू लेके आता है। तो ये सारे प्रीपोजिशन ऐसे कॉम्बिनेशन वाले हैं जो कि हमेशा होने हैं तो होने हैं। चलिए अब एडवांस फिलर में हम क्या बताएंगे, आप सबको खुद भी पता है कि एडवांस फिलर का जो सेक्शन होता है उसमें सही से हिंदी कर दिया बच्चे ने और क्वेश्चन का आंसर बन गया। जैसे पहला ही क्वेश्चन बताओ कि रुचि ने कहा था, क्या कहा था, कि वे निश्चित रूप से एक मतलब भोजन करवाएंगे, फिस्ट मतलब गांव में होता है निमंत्रण भोजन, वो भोजन करवाएंगे अगर अपनी मतलब विक्ट्री जो है, विजय जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए। सेलिब्रेट करने के लिए तो सेलिब्रेट हो गया आंसर, इंजॉय करने के लिए तो इंजॉय तो कर लिए जी, एक्सपेंड फैलाना ही होता है, नहीं होगा। फ्लाउंट का मतलब होता है आपको दिखावा करना, तो शो होता है, ये होगा नहीं। आंसर क्या बचा कि हम लोग अपने जीत को सेलिब्रेट करना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, करना हिज नॉवेल्स आर वेरी पॉपुलर, उसका जो नॉवेल है काफी पॉपुलर है, ये जो है कई मतलब कि दूसरे भी लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट किए गए हैं, तो आंसर क्या करेंगे, डी करेंगे। रिसाइट का मतलब होता है स्टूडेंट उच्चारण कर, और किताब है चूंकि तो भाई पॉपुलर होगा तो उसका ट्रांसलेशन होगा अलग भाषाओं में। ट्रांसफॉर्म इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति भी सोचता नहीं है बल्कि अनाज का है, ठीक है ना। क्रैम्प्ड का जो यूज करते हैं इसका मतलब रिमेम्बर का सेंस होता है, तो ये भी यहाँ पे यूज नहीं करना। बी बेयर फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर, हम लोगों को प्रिजनर्स को मिलने से रोका गया था, और सबको पता है कि अगर हम एक बार इसका शिकायत कर दें तो भी अलग हो सकता है कुछ, है ना, तो बी बेयर प्रिवेंटेड फ्रॉम सीइंग द प्रिजनर। बाकी कोई खास वर्ड नहीं है, अगर प्रभावित करना होता है, इनहिबिट का मतलब होता है आदि होना, पिटन पीटा जाना, पनिश का मतलब पनिश करना। चलिए अब आइए बेसिक पारा जंगल में, सबसे पहले आपको यहाँ पर खुद ही सोचना चाहिए कि स्टार्टर जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कोई नाउन होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए तो म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टैक्स्ड, है ना, कहानी कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, क्यू से। अब आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा, अब हम बी और डी को पहले पढ़ेंगे बाद में, पहले यहाँ देखते हैं म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टैक्स्ड,
म्यूचुअल फंड को टैक्स नहीं लगेगा, तो किस तरह से? ऑन देयर इनकम, ओ उनके इनकम पर। तो मुझे लग रहा है कि भाई क्यू के बाद क्या होना है, पी होना है। एज रॉन्ग एज के बाद अब यहाँ पे फिर से क्या चाहिए, सब्जेक्ट, क्योंकि एज रॉन्ग एज जो है वो आपका कंजक्शन है, और उसके बाद उसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट देने के लिए आप कहाँ जाएंगे भाई, एज में, है ना। ऑन दियर इनकम एज लॉन्ग एज दे कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश्ड, अगर जो रिक्वायरमेंट बताया गया है उसको अब मैच नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, तब तक कहाँ की बात हो रही है, इन द इंटरनल रेवेन्यू कोड, इंटरनल रेवेन्यू कोड के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। तो क्यूपीएसआर आंसर आ रहा है, आप आंसर आराम से कर सकते थे अटेंड किया, सेकेंड ऑप्शन। एडवांस पारा जंबल का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले आपको ये सोचना है कि एडवांस नाम सुन करके डर गए क्या, तो नहीं डरना चाहिए था, इसमें भी वही काम करिए, सबको पढ़ जाइए। क्या लिख रहा है ये, हाफ बेक्ड सॉल्यूशन यानी आधा अधूरा सॉल्यूशन टू द सीवर पोल्यूशन लेवल इन। अब सबको पता है पोल्यूशन लेवल जो है वो हाई है, तो कहाँ है, तो सबको पता है इन द कैपिटल होना चाहिए था, एंड द इन द नेशनल कैपिटल, और क्या। अब सबको पता लग रहा है कि भाई चीज़ों को ऐसे ही जब अरेंज ही करना है तो हम ए के साथ में क्या रख दिए, डी रख दिए। जब ए के साथ डी रख दिए तो भाई अब बचा कौन, सी और बी बचा, तो सी भी आंसर कर दो या फिर बी सी ए डी कर दो, पहले ये सोचो। ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपको थोड़ा सा बहुत ही फायदा करेगा। तो मैंने यही काम किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फ्राइडे को कह चुका है, क्या कह चुका है, तो बी में पढ़ो, व्हीकल्स रोटेशन जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट आपका जो है शायद उसको मानेगी, ऑड इवन सिस्टम सिस्टम में, तब लास्ट में। अब जो है वो आधा अधूरा सोल्यूशन ये भले है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन लेवल जो आपका नेशनल कैपिटल दिल्ली में है उसको रिड्यूस करने में थोड़ा मदद तो करेगी। तो आंसर फाइनली आपके पास हो गया सी बी ए डी, ठीक है, इसका आंसर सी बी ए डी हो गया। करेंट न्यूज फीडर में हम क्या बताएं स्टूडेंट, आप खुद भी सोच सकते हो कि क्वेश्चन में अच्छा लग रहा है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ हैज लॉन्च्ड ए पैन इंडिया ऑपरेशन, यहाँ तक तो ठीक था। अब होगा अंडर द कोड, एक कोड के अंदर करते हैं, कोई भी कोड के अंतर्गत रह करके नामकरण किया जाता है चीजों का, तो अंडर ए कोड या अंडर द कोड, ठीक है। वही कह रहा है कि आरपीएफ जो है उसने है जो कि पैन इंडिया ऑपरेशन लॉन्च किया है, वो आपका ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के अंतर्गत किया गया है, इम्प्रूव करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर को और ट्रैवलिंग, तो सबको पता है बाई इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रैवल को भी। चलिए अब यहाँ से है मल्टीपल एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा जगह गलतियां हो सकती हैं, तो जरा बढ़िया से चेक करते हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऑन अगस्त 19 एवरी ईयर, अभी तक सही है। टू रिकॉग्नाइजिंग कैसे होगा, टू रिकॉग्नाइज होगा, सबसे पहला तो ये हो जाएगा आपके पास में, पहले तो बी हो गया कंफर्म, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल एड एंड हेल्थ वर्कर्स हु वॉलंटियर्स, अभी रिलेटिव प्रोनाउन सिखाए हैं कि हु के पहले वर्कर्स प्लुरल है भैया, तो यहाँ पे वॉलंटियर्स भी प्लुरल होने के लिए क्या चाहिए उसको, तो वहाँ पे एस हटना चाहिए, तो ए तो बी तो होना ही था और डी भी हो गया, तो बी और डी दोनों मिला के आंसर क्या कर लेंगे, डी कर लेंगे। अब खुद भी समझ गए कि हाँ भाई अंडर ट्रायल यहाँ पर हम चीज़ों को समझ चुके हैं और समझ रहे हैं, तो बस हो गया। अब मैचिंग टेबल में हम क्या सिखाएं, ये तो आप खुद भी कर सकते हो। एग्नोस्टिक का मतलब अज्ञातवादी होता है, और जब हिंदी में अज्ञातवादी बोल रहे हो भैया तो आपके पास में शक्की होगा, अशक्की का मतलब होगा अस्केप्टिक, इसलिए आंसर क्या कर लेंगे हम, इसका 61 का सी कर लेंगे। एडवेंटेटियस, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर अचानक से कुछ चीज होता है तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचानक से, तो अचानक से का मतलब हो जाएगा आपके पास में क्या, एक्सीडेंटल, आंसर हो गया 62 का डी। एकोलेट का हिंदी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ, प्रशंसा होता है, और प्रशंसा के लिए मुझे जाना पड़ेगा आपको ई में लेके, है ना, तो यहाँ पे फिलहाल तो आप ई में, मान लो कि प्रशंसा नाम का कोई वर्ड प्रेज हो या फिर कुछ है। एब्रोगेट का हिंदी मैंने आपको बताया था निरस्त करना, निरस्त करना का मतलब हो रहा है कि एबोलिश करना, जड़ से हटाना, तो आंसर क्या कर लेना इसका, एबोलिश। चलो अमनेशिया का मतलब सबको पता है कि सामूहिक क्षमा होता है, और सामूहिक क्षमा के सेंस में हम जब इन शब्दों को रखते हैं तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन बी नंबर में लॉस ऑफ मेमोरी जो था वही होगा। चलिए कोई बात नहीं, तो अमनेशिया का मतलब क्या होता है, भूलने की बीमारी, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ मेमोरी।
अपेक्स है, तो अपेक्स का मतलब हमें पता होना चाहिए कि शीर्ष बिंदु होता है, और शीर्ष बिंदु का मतलब क्लाइमेट होगा, क्लाइमेक्स होगा, सॉरी समिट होगा, बी आंसर। एवेंक्यूलर ऐसी लग रहा है कि अंकल से रिलेटेड हो जाता है, तो ऑफ अंकल होगा, डी आंसर। अनाथीमा का मतलब अभिशाप होता है, अभिशाप का मतलब आपके पास में कर्स होता है, आंसर ई। एकॉम्प्लिस का हिंदी सहअपराधी होता है, और सहअपराधी का मतलब पार्टनर क्राइम, सही। एप्लॉन्ग का मतलब आप जान ही रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आगे है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। चलिए, तो एप्लॉन्ग का मतलब अब बचा हमारे पास में क्या, वॉयज, ए नंबर। तो ये सेशन आपके पास में था, बाकी आप लोगों का एक रिवीजन सेट दिया गया है, जो मैंने आपको इधर सोल्यूशन कराना बंद कर दिया है, वो आपका जो टेस्ट पेपर होता है वो ये आपको खुद ही करना होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग ये सेशन को काफ़ी पसंद करेंगे, और आगे भी ऐसे सेशन हम लोग लेते आएंगे, बस आप लोग जुड़े रहिए और हमारे लोगों के बीच में ये वीडियो सेशन को पहुंचाते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों से विदा।